Hey guys, welcome back to my channel. और सबसे पहले थैंक यू सो मच कि मैंने जो मैंगो की आत्मकथा दिल की बात आप लोगों को सुनाई थी, आप लोगों के सामने एक छोटा सा कॉमेडी वाला वीडियो बना के पेश किया था. आप लोगों ने उसको बहुत 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 सारा प्यार दिया और आप लोगों की तरह मेरा भी मैंगो फेवरेट फ्रूट है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि मैम आपका फेवरेट फ्रूट क्या है, तो वो भी मैंगो है. और पिम्पल वाला एक्सपीरियंस मेरा खुद का ही है. और आज मैं आप लोगों को आम का एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ. गुड़ आम बहुत 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 यम्मी होता है, उसको आप ऐसे ही खा सकते हो, रोटी के साथ खा सकते हो, ब्रेड के साथ खा सकते हो. और आप लोग ये अपने घर पे जरूर ट्राई करिएगा और बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा. तो चलिए शुरू करते हैं. तो गाइस, गुड़ आम बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो चाहिए वो है कच्चा आम. यहाँ पे मैंने छोटे छोटे आम यूज किए हैं, कच्चा आम जो लगभग 1 किलो है, और इसको मैंने कुछ इस तरह से कट कर लिया है. अब देख लेते हैं साथ में और क्या क्या है. तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच गोटा जीरा, साथ ही साथ मैंने ले लिया है 1 चम्मच गोटा धनिया, और यहाँ पे कुछ 1.5 से 2 चम्मच के आसपास है सौंफ. साथ ही साथ यहाँ पे है लाल सूखे मिर्च 3-4 है, यहाँ पे तेज़पत्ता, और यहाँ पे है 1 चम्मच मंगरेल, और यहाँ पे है थोड़ा सा अजवाइन जिसमें ये मंगरेल थोड़ा सा मिक्स हो चुका है. ये जो मंगरेल है थोड़ा सा अजवाइन में मिक्स हो गया है, आप लोग थोड़ा समझ लेना गाइस. और यहाँ पे मैंने फिर से ले लिया है थोड़ा सा सौंफ, और यह है थोड़ा सा मेथी. साथ ही साथ मैं यहाँ पे 450 ग्राम तक गुड़ यूज़ कर रही हूँ. आप लोग इसी में जो ब्लैक कलर का गुड़ आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी. अब मैंने कढ़ाई बिठा के गैस ऑन करके इसमें दे दिया है पहले गोटा धनिया, इसको मैं थोड़ा सा चला लूँगी. दिख रहा होगा गाइस, धनिया का कलर धीरे धीरे थोड़ा सा ब्राउन हो रहा है, इसको जले ना ये ध्यान रखिएगा. अब इसके कलर चेंज हो चुके हैं. अब इसमें मैंने दे दिया है सौंफ और जो जीरा था वो. अब इसको हम बहुत ही अच्छे से चलाते रहेंगे. वैसे एक बात बताऊं, बचपन से ही मुझे गुड़ आम बहुत पसंद है, और हमारे घर में तो मम्मी वो कांच का बड़ा वाला जार होता है ना, उसमें भर भर के बना के रख देती थी, और सुबह सुबह रोटी के साथ खाने में जो मज़ा है गाइस. आप लोग घर पे ट्राई करिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा. चलिए, तो अब यहाँ पर हो चुका है सब अच्छे तरीके से. हमने इसको सूखे कढ़ाई में ही फ्राई कर लिया है बिना ऑयल का. अब हम इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे, एक मसाला बना देंगे. अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई पे फिर से ले लिया है थोड़ा सा सरसों का तेल. हाँ, सरसों का तेल ही यूज़ करना है, क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है. अब यहाँ पे हम बाकी के सब कुछ दे देंगे. पहले हमने दिया है यहाँ पे मेथी दाना, उसके बाद जो सूखी लाल मिर्च थी उसको हम थोड़ा सा आधा आधा कट करके इसमें दे देंगे. फिर हमने दिया है यहाँ पे तेज़पत्ता, फिर वो सौंफ, मंगरेल, अजवाइन, सब हमने एक साथ इसमें दे दिया. अब इसको हम अच्छे तरीके से चलाते रहेंगे. अच्छा, ये बनाते वक्त आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसको कंटिन्यू चलाते रहना है, इसको जलने नहीं देना है, क्योंकि फिर स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा. ये नहीं कि आप यहाँ पर कढ़ाई में बिठा के 2 मिनट का ब्रेक लेकर के टीवी देखने चले गए. ना 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 ना, इस पर पूरा फोकस रखना है, तभी तो टेस्टी बनेगा. देखिए, इसका थोड़ा बहुत कलर चेंज हो रहा है. थोड़ी मेहनत का काम तो है, बट कोई नहीं, बात स्वाद की है तो इतनी मेहनत तो हम कर ही सकते हैं. और ये मेहनत वाली सलाह उनके लिए है जो कभी कभी किचन की तरफ जाते हैं. अब मैं इसमें दे दूंगी जो हमने आम को कट करके रखा हुआ था, सारा आम मैंने यहाँ पे दे दिया है. अच्छा, मैंने आम को ना रात में ही कट कर लिया था, पानी में अच्छे से भिगो के उसके बाद इसको अच्छे से ड्राई कर लिया था. इसके लिए थोड़ा सा आम के पीछे आपको ब्लैक ब्लैक कलर का दिख रहा होगा. अब हम इसको बहुत ही अच्छे से चला लेंगे. साथ ही साथ मैंने यहाँ पे लिया है छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच हल्दी, और स्वाद अनुसार नमक. और अब हम इसमें नमक और हल्दी दोनों दे देंगे. फिर हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे. और अब हम इसमें दे देंगे 1 ग्लास पानी.
बहुत ही धीमी आंच में बनाना है गाइस, ये नहीं कि आप आंच जो है बहुत तेज कर दे और फिर आम जल जाए। अब इसके बाद जो गुड़ है वो मैं इसमें दे दूंगी धीरे धीरे। थोड़ी देर बाद ये खुद ही गुड़ इसमें पिघल के एक साथ मिक्स हो जाएगा। इसके लिए गुड़ को तोड़ के देने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ढक देंगे और पहले जो मैंने मिश्रण बना ली थी वो अलग से करके रख दिया है और साथ ही साथ हम देखते रहेंगे कि गुड़ पिघला कि नहीं और पिघल के जो ये मिक्स हुई है एक दूसरे में। कलर तो देखिए ज़रा, वैसे अगर आप इसमें काला वाला गुड़ यूज़ करेंगे तो कलर और खिल के आएगा। हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से चला लेंगे लेकिन ध्यान देंगे क्योंकि आम हो चुका है सॉफ्ट तो टूटे ना कहीं से। फिर हम इसको ढक देंगे और थोड़ी देर बाद कुछ इस तरह से दिखेगा ये। इसको थोड़ी देर छोड़ छोड़ के चलाते रहना है। और अब जो वो सूखी मसाला है वो हम इसमें दे देंगे और साथ में अलग से जो हमने मंगरेल रखा हुआ था थोड़ा सा वो भी इसमें दे देंगे और फिर इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद इसे कुछ 2 से 3 मिनट चलाना है गाइस और ये हो गया हमारा गुड़ाम तैयार। तो प्लीज़ 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 इसे घर पे ट्राई करिए और मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें कि कैसा बना। लव यू।